बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइक हूँ आप साथ में। ये एक फ़ैन है जी, मैंने लिया, आपको भी दिखा दूँ, ये देख लें जी। ठीक है, ये चार्जेबल है और फोल्डिंग वाला है। फोल्डिंग यानी कि स्टैंड इसका पूरा फोल्ड हो जाता है। तो देख लें, ये मैंने लिया है जी, 25,000 का मुझे मिला है भाई, लोलो मार्केट से डिस्काउंट के ऊपर मैंने हाल ही में लिया है। मोबाइल चार्ज से चार्ज हो जाता है और सिंपल सा है, आप एक बंदे के लिए तो बेस्ट है। तो मैंने अभी इसको स्लो कर रखा था, मैंने बोला आपको चलो बता दूं यार। अच्छा, बहरहाल बात कर लेते हैं। बिलाल अकबर साहब को यहाँ से तब्दील किया जा रहा है। बिलाल अकबर साहब को जो सफीर पाकिस्तान है सऊदी अरेबिया में, उनको हटाया जा रहा है। ऐसी न्यूज़ खासकर टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियो भी वायरल है, मैं अभी आप भाई साहब यहाँ पर वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कहा यह जा रखा है। आपको यार वीडियो में बता देता हूँ मैं, बहुत से बंदे इसके मतलब बहुत सी बातें भी कर रखी हैं। अभी दो दोस्तों से मैंने दोस्त क्या यार, मैं वो बंदे तो खड़े हुए थे पाकिस्तानी, वो बोल रहे थे कि भाई इसने भी कोई करप्शन की होगी। यार कमाल होती है वैसे ऐसे झूठ फैलाने की भी। झूठ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपके साथ तफसील शेयर कर देता हूँ, पहले आप भाई ये वीडियो देखें। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर बिलाल अकबर को तब्दील किए जाने का इम्कान, फैसला वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के दौरान किया गया। जी वीडियो आपने देख लिया जी, ये टिकटॉक से मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है जो आपको दिखाई है मैंने। कितना भाई एक बिल्कुल ऐसे 100% से झूठ बोला जा रहा है कि वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब के बाद बिलाल अकबर साहब को हटा दिया गया है या हटाने की तैयारी की जा रही है, ये है वो है, इस बंदे ने भी कुछ किया होगा, ऐसे है वैसे है। तो भाई ऐसा कोई भी मसला नहीं है अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने नहीं देखा है। खासकर ट्विटर के ऊपर जो कन्फर्म अकाउंट है कॉन्सुलेट पाकिस्तान और बिलाल अकबर साहब का खुद से और इमरान खान साहब का खुद से और पाकिस्तान एम्बेसी का जो ट्विटर के ऊपर अकाउंट है खुद से, इन तमाम को मैंने अच्छे से चेक किया, वहां पर कहीं भी मुझे अभी तक ऐसी किसी भी रिपोर्ट या ऐसी न्यूज के मुतालिक पता नहीं चला है। ये बिल्कुल झूठ है जी, जो भी बंदा बोल रहा है, जिस किसी ने भी फैलाई है, सिर्फ ऐसे व्यूज वगैरह लेने के लिए झूठे और कुछ भी नहीं है। ये सरासर अभी झूठी खबर है, इसके मतलब कोई भी किसी किस्म की सदाकत नहीं है, ना ही ऐसी बातों के ऊपर कान धरें। बिलाल अकबर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि पहले था अभी भी जारी है। और अगर फ्लैट्स के मुतालिक बात करें तो उनको भाई हजारों कमेंट जा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि उनके मुतालिक जैसा कि कहा गया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, ये तो भाई आने वाले वक्त में या अभी इमरान खान साहब आए हुए हैं, इनके जाने के फौरन बाद पता चल ही जाएगा।